की शुरुआत होती है और हम 18 साल की एंजेलिना को देखते हैं जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और साथ ही लॉन्ड्री में काम करती है। उसे यहाँ काम करना पसंद तो नहीं है, फिर भी वो यहाँ काम करती है क्योंकि उसके डैड कुछ काम नहीं करते हैं और उसकी मॉम पूरा दिन शराब के नशे में रहती है। उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका वो बहुत ख्याल रखती है। शाम को अपने बेस्ट फ्रेंड एंड्रयू के साथ पार्टी में जाती है जहाँ एंजेलिना का बॉयफ्रेंड बॉबी प्ले कर रहा था। जब पार्टी खत्म होती है तब बॉबी उसके पास आता है और एंजेलिना की तारीफ करते हुए उसे किस करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक रूम में जाके इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद बॉबी एंजेलिना से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें अपने न्यू फोटोशूट करनी चाहिए। तब एंजेलिना इस बात को मजाक समझती है पर बॉबी कहता है, मैं सीरियस हूँ, कब तक तुम लॉन्ड्री में लोगों के गंदे कपड़े धोती रहोगी, मेरा एक दोस्त है जो तुम्हें न्यू फोटोशूट के $500 देगा। तब एंजेलिना गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो घर जाती है तो अपनी सिस्टर को पूछती है, तुमने खाना खाया, तो वो मना करती है। फिर एंजेलिना किचन में खाना बनाने जाती है पर घर में कुछ खाना नहीं होता, जिससे वो दोनों भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन वो फोटोशूट के लिए जाती है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। जहाँ उसकी मुलाकात फोटोग्राफर वॉन्ग से होती है जो एंजेलिना को देखते ही उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें पर फोटोशूट के $300 दूंगा, पहले हफ्ते 5 फोटोशूट होंगी। तब एंजेलिना कहती है, बॉबी तो $500 बोल रहा था। तब वॉन्ग कहता है, क्योंकि तुम नहीं हो, इसलिए तुम्हें $300 ही मिलेंगे और बॉबी को $100 तुम्हें यहाँ भेजने के लिए। पर एंजेलिना मना कर देती है और कहती है, मैं एक बार ही शूट करूंगी और मुझे $500 चाहिए। तब वॉन्ग मान जाता है और एंजेलिना का फोटोशूट करता है जहाँ एंजेलिना कई अच्छे अच्छे पोज देती है। वहाँ बॉबी भी था जो फोटोशूट देख रहा था। फिर रात को जब बॉबी एंजेलिना को घर छोड़ने जाता है तब वो एंजेलिना से कहता है कि अब से ऐसे फोटोशूट मत करना, पर एंजेलिना उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है क्योंकि बॉबी ने उसे वहाँ भेजा था जिससे उसे $100 का कमीशन मिले। अब एंजेलिना इन सारी चीजों से परेशान होकर यहाँ से दूर चले जाने का सोचती है। जहाँ वो ये बात एंड्रयू को बताती है तो एंड्रयू भी उसके साथ जाने को राजी हो जाता है। अगले दिन वो स्कूल जाने के बहाने से घर से निकलती है और एंड्रयू के साथ कार लेके सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाती है। फिर वो दोनों एक होटल पे रुकते हैं जहाँ दोनों साथ में सोते हैं। तब हमें पता चलता है कि एंड्रयू फ्रेंड जोन में फंसा है। वो एंजेलिना को पसंद करता है इसलिए वो हर बात पे एंजेलिना का साथ देता है, पर वो एंजेलिना को ये बात बता नहीं पाता। अगले दिन वो दोनों एक फ्लैट देखने के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने ऑनलाइन एक लड़के से बात की थी जो उन्हें सस्ते में अपने घर का एक कमरा देने वाला था। जब वो उस रूम को देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं। फिर रात को वो अपनी मॉम को कॉल लगाती है, तब उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है। फिर वो अपनी सिस्टर से बात करने का ट्राई करती है पर उसकी सिस्टर उससे बात करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे एंजेलिना की जरूरत थी और वो उसे छोड़ के चली गई थी, जिससे एंजेलिना रोने लगती है। तब एंड्रयू उसे सहारा देता है। अगले दिन एंजेलिना जॉब ढूंढने के लिए निकल जाती है और आखिर में उसे एक क्लब में जॉब मिल जाती है। क्लब में जब वो एक लड़के को सर्व करने जाती है तब वो लड़का उसे टिप में $100 देता है। इस लड़के का नाम फ्रांसिस है जो एंजेलिना को पहली ही नजर में देख के पसंद करने लगता है। फिर वहाँ बार में काम करने वाली एक लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। तब वो उसे बताती है कि मैंने न्यू फोटोशूट किया हुआ है। तब वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ कुछ ऐसे स्टूडियोज हैं जो $800 पर वीडियो शूट के देते हैं। वहीं फ्रांसिस का दोस्त एक डांसर को छेड़ता है जिससे उसे धक्के मार के बाहर कर देते हैं। तभी वहाँ एंजेलिना आती है जिसे देख फ्रांसिस उसे अपने दोस्त के लिए माफी मांगता है। वहीं हम एंड्रयू को देखते हैं जो अपने रूममेट के साथ एक पार्टी में गया था जहाँ वो काफी एंजॉय करता है। फिर वो घर आके एंजेलिना को सारी बातें बताता है। तब एंजेलिना कहती है, तुम्हें एक परफेक्ट लड़की मिलेगी। तब एंड्रयू कहता है, शायद वो मुझे मिल चुकी है पर वो मुझे पहचान ही नहीं पा रही। अगले दिन एंजेलिना फोटोशूट के लिए जाती है जहाँ असिस्टेंट उससे काफी सवाल पूछती है, जैसे कि वो क्या कर सकती है और क्या क्या काम नहीं करना चाहती है। एंजेलिना अकेले प्ले करना पसंद करती है। इस काम के लिए एंजेलिना को $500 पर शूट के मिलने वाले थे, जिसके बाद एंजेलिना से एक फॉर्म फिल करवाया जाता है। फिर वो अपने शूट के लिए जाती है जहाँ और भी लड़कियाँ थी जो एंजेलिना से कहती है कि तुम्हारी डायरेक्टर मार्गरेटा है, उसके साथ काम करके तुम्हें मजा आएगा। फिर उसका वीडियो शूट स्टार्ट होता है जहाँ उसे आज स्कूल गर्ल का रोल प्ले करना था। फिर मार्गरेटा जैसा कहती है वो वैसा करती जाती है और शूटिंग के बाद मार्गरेटा एंजेलिना की काफी तारीफ करती है। रात को जब एंजेलिना बार में काम कर रही थी तब वह फ्रांसिस आता है। तब एंजेलिना मैगजीन में पेंटिंग्स को देख रही थी। तब फ्रांसिस कहता है, इन पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होने वाला है, तुम्हें वहाँ जाके उन्हें देखना चाहिए। फिर वो घर जाके एंड्रयू को बताती है कि वो पेंटिंग एग्जीबिशन में जा रही है। तब एंड्रयू नाराज हो जाता है क्योंकि वो लोग आज मूवी देखने जाने वाले थे। फिर वो फ्रांसिस के साथ एग्जीबिशन में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात उस पेंटिंग बनाने वाली आर्टिस्ट से होती है जो कि कोई और नहीं फ्रांसिस की मॉम थी।
फ्रांसिस ने उनको बता दिया था कि एंजेलिना क्या काम करती है। जैसे उसकी मॉम एंजेलिना की रिस्पेक्ट नहीं करती, तो फ्रांसिस एंजेलिना से अपने मॉम के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। जिसके बाद फ्रांसिस ड्रग्स लेता है और एंजेलिना को भी देता है, जिसके बाद वो छत पे जाके किस करते हैं। अगले दिन एंजेलिना का फोटोशूट होता है, जिसके बाद जब रात को मार्गरेट उसकी फोटोज देख रही थी, तब वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन आती है, जो मार्गरेट से कहती है एंजेलिना की एज बहुत कम है, तुम्हें उसकी ऐसी फोटोज नहीं क्लिक करनी चाहिए। तब मार्गरेट कहती है तुम चिंता मत करो, वो 18 साल की है। जिसके बाद जब मार्गरेट एक क्लब में जाती है, तो वहाँ वो एंजेलिना को देखती है और उसी को चुपके से देखने लगती है। फिर जब मार्गरेट घर जाती है, तो जिलियन फिर से एंजेलिना के बारे में बात करती है, जिससे उन दोनों में बहस हो जाती है, जिस वजह से अगले दिन वो फोटोशूट पे अच्छे से काम नहीं कर पाती। फिर जब एंजेलिना अपने घर जाती है, तो वो वहाँ अपनी मॉम और छोटी सिस्टर को देखती है, जो उससे मिलने आई थी। उसकी रूममेट ने उसकी मॉम को बताया था कि वो फ्रांसिस के साथ आजकल डेट कर रही है, जिससे उसकी मॉम अब फ्रांसिस से मिलना चाहती थी। फिर एंजेलिना फ्रांसिस से मिलवाने उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है। काफी देर हो जाती है, पर फ्रांसिस वहाँ नहीं आता। वो जब फ्रांसिस को कॉल करती है, तब फ्रांसिस कहता है मैं थोड़ा काम में हूँ। फिर जब वो घर वापस जा रहे थे, तब एंजेलिना अपनी मॉम से कहती है कि मेरी बहन मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तब उसकी मॉम कहती है तुम्हारी सिस्टर को पिछले 6 महीने से पेट में दर्द हो रहा है और मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। जैसे सुन एंजेलिना कहती है मैं आपको पैसे दूंगी। फिर अगले दिन फ्रांसिस एंजेलिना को मनाने के लिए फोन लेके आता है और उससे माफी मांगता है, जिससे उन दोनों में सब सही हो जाता है। फिर एंजेलिना जब घर पहुंचती है, तब उसकी मॉम कहती है मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने जा रही हूँ। तब एंजेलिना उनको पैसे देती है और वो चली जाती है। जिसके बाद उसकी सिस्टर से बताती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मॉम ने तुमसे झूठ बोला है। तभी उसकी मॉम आती है और उसकी सिस्टर को लेके चली जाती है। वहीं हम मार्गरेट को देखते हैं जो जिलियन के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ उन दोनों की बहस हो जाती है। फिर घर आके वो दोनों इंटीमेट करने लगते हैं। अगली सुबह जब मार्गरेट उठती है, तब वो देखती है जिलियन बिना कुछ कहे उसका सामान लेके जा चुकी है। इसका सीधा मतलब था कि उसने मार्गरेट से ब्रेकअप कर लिया है। वहीं हम एंजेलिना और एंड्रयू को साथ में टाइम स्पेंड करते देखते हैं, जहाँ एंजेलिना कहती है मैं किसी लड़के के साथ शूटिंग करना चाहती हूँ। तब एंड्रयू को ये बात अच्छी नहीं लगती। अगले दिन एंजेलिना एक लड़के के साथ वीडियो शूट करती है, जिसके बाद वो फ्रांसिस से मिलती है और उसे बताती है कि वो आज एक लड़के के साथ शूट करके आई है और उसे बहुत मजा आया। जैसे सुन फ्रांसिस जेलस फील करता है और एंजेलिना को ये सब काम करने से मना कर देता है, जिससे उन दोनों में बहस हो जाती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तब फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है। फिर जब एंजेलिना घर पहुँचती है, देखती है एंड्रयू उसकी वीडियो देख के मास्टरबेट कर रहा था, जिसे देख वो गुस्सा हो जाती है। तब एंड्रयू कहता है पूरी दुनिया तुम्हारी वीडियो देख सकती है, मैं क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, फिर भी कभी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। तब एंजेलिना कहती है अगर तुम मुझे प्यार करते तो तुम मेरी वीडियो देखते ही नहीं। जिसके बाद वो परेशान होकर एक बार में जाती है और ड्रिंक करने लगती है। तभी वो मार्गरेट आती है और उन दोनों में बातें होती है। तब एंजेलिना सारी बातें मार्गरेट को बताती है। तब मार्गरेट भी उसे सारी चीजें शेयर करती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को समझ पाती है और आखिरकार किस करते हैं और घर जाके इंटीमेट होते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं एंजेलिना और मार्गरेट साथ में रहते हैं और एंजेलिना ने अब एक्ट्रेस का काम छोड़ मार्गरेट के साथ डायरेक्टर का काम करती है और इस मूवी का क्लीन हो जाता है। बाकी आपको कैसी लगी मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।